हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल के एक्सिस पर क्या होता है, को एक्सिस या इक्वेटोरियल पर क्या होता है, और किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सेम कॉन्सेप्ट हमने वहां भी पढ़े थे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी, मैग्नेट की एक्सिस को एक्सिस एंड उस पर क्या होता है, राइट। ओके, अब बात करते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ध्यान से देखो जरा। सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर इसको मैं वेक्टोरियली लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरी कैसे लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई और आई के। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वेस्ट से ईस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, राइट। अब इस फील्ड में अगर मान लो इसका अपना फील्ड है, मैं बहुत सारे लाइन नहीं बनाना चाहता, कचरा हो जाएगा, चलो फिर भी दो बना देता हूं। ये ऐसे बहुत सारे पैरेलल लाइंस है, जब पैरेलल लाइंस होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म। पैरेलल लाइंस होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और अगर पैरेलल नहीं हो तो फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर फोर्स लाइंस पास पास है, डेंस है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और अगर दूर दूर है तो रेयर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मान लो ये कोई स्ट्रॉन्ग सा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो फोर्स लाइन है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रख दूं किसी एंगल पर, ये देखो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे अपन नाम लेते हैं, यहां पर हमारे दिमाग में दो चीजें आती है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। और अब कोई चार्ज को अगर फील्ड में रखते हैं तो निश्चित रूप से फोर्स लगता है। जब किसी चार्ज को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। जैसे मैंने मैग्नेट में बताया था, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई छोटा मैग्नेट रख दें तो छोटा मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चलो भाई, अब अगर ई है तो एफ इलेक्ट्रिक क्या होता है बताओ, क्यू ई होता है। एफ इलेक्ट्रिक इज व्हाट, क्यू ई, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब इसको, इस एक्सप्रेशन को अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर क्यू पॉजिटिव है, क्यू कैसा है, पॉजिटिव है, तो एफ का डायरेक्शन क्या होगा, ई के डायरेक्शन में। अगर Q पॉजिटिव है तो F का डायरेक्शन, इस पर जो लगने वाला फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ये स्टेडी रेड लाइन अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा, देखो F इलेक्ट्रिक QE, ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू बोलेंगे अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना भाई। अच्छा, अब नेगेटिव चार्ज रख दे भाई, एफ ई इज इक्वल टू, देखो माइनस क्यू ई, ई क्या है, आई कैप में, ई किधर है, आई कैप में, लेकिन यह माइनस आ गया तो किधर चला गया, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन चल गया। तो अब जो इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वो भी क्यू ही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यहां पर भी सेम है, उधर भी क्यू ही लग रहा है, इधर भी क्यू ही लग रहा है। तो जब ऐसे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं ना किसी बॉडी पर, तो उसको बोलते हैं अपन कपल ऑफ फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, कपल ऑफ फोर्स। और जहां पर कपल ऑफ फोर्स होता है तो फिर टॉर्क लगता है, जब कपल ऑफ फोर्स होगा तो क्या होगा, टॉर्क लगेगा। देख ऐसे मैं रख दो, जैसे मान लो पेन मैंने ऐसे रखा, ऐसे रखा कि यहां पर पिवोटेड है, यहां पर, अब इस पेन पर मैं यहां से एक डोरी बांध करके इधर खींचू और इधर वाले को इधर खींचू, तो क्या करेगा, इसकी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये रोटेट होगा, नहीं आया भाई, ये फोर्स कपल ऑफ फोर्स एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। Therefore, this couple of force will try to align this electric dipole along to the direction of electric field.
करेगा नहीं करेगा, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। तो दिस टॉर्क ट्राइज टू अलाइन दिस अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हमें कैलकुलेट करना है। मैकेनिक्स में टॉर्क क्या होता है भाई, फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये दो फोर्स है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाम दे देते हैं अच्छा लगेगा, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम पी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, बीपी, है ना बेटा। दूसरी बात, यहां से थीटा एंगल पर ये थीटा, तो ये भी थीटा कोरेस्पोंडिंग एंगल से, तो इसका मतलब क्या लिखूंगा बोलो, कि बीपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या होता लिखते हैं अपन 12, तो क्या बोलेंगे इसको 12 साइन थीटा। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, समझ आई बात। अच्छा भाई, अब टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है बोलो, क्यूई, व्हाट इज फोर्स, क्यूई, है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा। देखो सुंदर दिखने के लिए क्या लिखूंगा इसको, कि q इंटू 2l e साइन थीटा, और q इंटू 2l क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डायपोल एंड द लेंथ ऑफ द डायपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो दिस इज p e साइन थीटा। इसको वेक्टर में लिखना है, यहां वेक्टर लगा दो, यहां p साइन थीटा लिख दो, यहां n कैप लिख दो, क्योंकि n कैप या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस शोज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। ओके, तो इसका मतलब टो इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, p क्रॉस e, याद करो टो इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। मैग्नेटिज्म में लिखा था अपन ने, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो चार पांच लाइन लिखनी पड़ेगी आप लोगों को इसके लिए, ट्राई टू राइट, मैं इधर लिख देता हूं। When an electric dipole when an electric dipole is placed in uniform electric field, when an electric dipole is placed in uniform electric field, it experiences couple of force, it experiences couple of force or torque, or torque ठीक है, and this torque have tendency to align electric dipole to align electric dipole along the direction of electric field, along the direction of electric field, ठीक है। वैसे याद रह जाएगा तुम्हें, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से किसी एंगल पर रखते हैं,
तो डाइपोल के अपोजिट चार्जेस अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और इक्वल और अपोजिट फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये कपल ऑफ फोर्स क्या करता है, उसके ऊपर टॉर्क लगाता है। अब क्योंकि जो पिवोटेड है तो वो क्या करेगा, बीच में से यहां से हमारा डायपोल पिवोटेड है, एक पर फोर्स इधर लग रहा है, एक पर फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करेगा। हमेशा ये चाहेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रहे, ठीक है ना, लेकिन हम ऐसे रहे तो अब इसको मान लो अगेंस्ट ले जाए तो चक्कर पड़ेगा, वो भी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द टॉर्क, ये कैलकुलेशन आगे से होगी मेरे को लगता है समझ में, क्योंकि सेम ऐसे का सेम मैंने मैग्नेट वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, इसलिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ये ऑनलाइन वाले भी नोट कर लें बेटा सब। दो मिनट देता हूं, पॉज कर रहा हूं। तो यहां से मिल गया हमें टॉर्क मिल गया, देखो ठीक है। इसमें दो तीन बातें और बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रख दिया, देखिए ऐसे, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इधर कितना लगेगा, क्यू। इसके फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ही। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। टॉर्क भी क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क भी क्या होगा, तो अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। Therefore, it will not experience any force. लेकिन ऐसा तब होगा कि वो यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, और फिर हम नहीं बोल सकते और जीरो होगा। आज के लॉजिक क्वेश्चन हम हमारे बंद हो गए हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके जी, ठीक है, चलो दूसरी बात मान लेना। अगर मान लो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रख दिया भाई, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, अब इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो अब थीटा इज व्हाट, 90 डिग्री, साइन थीटा इज 1, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू टी, सो मैक्सिमम टॉर्क बोलेंगे, सो मैक्सिमम टॉर्क बोलेंगे। यहां से टी को डिफाइन कर सकते हो, यहां से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, कि अगर E इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, सर अटक गया, अगर E को 1 कर दे तो T क्या हो जाएगा, तो कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखें और E की वैल्यू कितनी हो, 1 न्यूटन पर कूलम हो, यूनिट हो, तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वही टॉर्क किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू द टॉर्क व्हिच मेंटेन द इलेक्ट्रिक डायपोल perpendicular to the direction of the sir, आवाज नहीं आ रही बराबर, the electric field is 1 newton per coulomb, sir आवाज नहीं आ रही बराबर, इसका एक भी हम याद होना चाहिए, ये इसकी स्टोरी है कि इसके ऊपर टॉर्क कैसे लगता है। डायरेक्ट और कोई सवाल आता है अभी, सर आवाज नहीं आ रही, इससे पहले उस सवाल को बताना चाहता हूं आपको, कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है ये, नोट कर पड़ा नोट करो, तीनों पोजीशन नोट कर लो, और कोई और मेरे एक सवाल सुन लो सारे बच्चे, अगर मान लो मैं इसको 180 डिग्री पर रख दूं तो क्या होगा इसका, अगर मैं इसको 180 डिग्री पर रख दूं तो क्या होगा इसका, जवाब टाइप करके बताओ, ये नोट कर लो और जवाब टाइप करके बताओ, अगर मैं इसको 180 डिग्री पर रख दूं
डाइपोल को, तो इसका क्या अस्त्र होगा? सोच के बताइए यार, इसका क्या अस्त्र होगा? यार क्या होगा इसका? यार सर आवाज नहीं आ रहा है। इसको उल्टा रख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि प्लस को इधर आ गया, माइनस को इधर आ गया, नेट फोर्स जीरो होगा। व्हाट अबाउट फोर्स? देखो, हम डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं, हमको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, तीन पता है भाई इसे कि भाई ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, छोटा सा है, नन्हा सा है, इसकी लेंथ बहुत कम है, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और तुरंत बच्चे बोलते हैं सर लिखो ना क्यू इंटू ए होते हैं, ए होता है। अच्छा, अब हमें इसको इसकी फॉर्मेशन ही चेंज करनी है। ठीक, मैंने बोला, क्या बोला लिखना पड़े, देखो क्वेश्चन लिखते हैं। थ्री चार्जेस क्यू माइनस फोर क्यू एंड प्लस थ्री क्यू, थ्री चार्जेस क्यू माइनस फोर क्यू थ्री क्यू आर प्लेस्ड, आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए कोमा ए माइनस ए कोमा माइनस द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज आकार में बना लिया होगा, मेजर नहीं आया भाई सर। हां जी, ध्यान से देखो, इधर अच्छे से देखो, मैं दिख रहा हूं बच्चों सबको, इधर देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, पता कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या, इसको जीरो जीरो बोलते हैं, कई बार सिखाया है, इसको जीरो जीरो बोलते हैं। पहला पॉइंट है ए ए, इसका मतलब एक्स पे भी है, वाई पर भी है, क्या यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, है ना? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे इसको, ए ए, और यहाँ पर कितना चार्ज रखा हमने, क्यू, ये क्यू चार्ज रखा है। दूसरा पॉइंट माइनस ए प्लस ए, तो माइनस ए इधर आएगा, प्लस ए उठ जाएगा, यहाँ पे आ रहे पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, क्या यहाँ पर मैंने माइनस फोर क्यू रखा है, और तीसरा चार्ज क्या है, थ्री क्यू,
थ्री क्यूब मैंने रखा है यहाँ पर, माइनस ए माइनस एक्स के माइनस में पाई के माइनस में, यहाँ पर क्या आएगा सो बोलूंगा मैं माइनस ए माइनस ए इज इट करेक्ट, और यहाँ पर चार्ज रखा हमने थ्री, और हमसे बोला कि इसका नेट इलेक्ट्रिक सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताइए। अच्छा साउंड इसका क्लियर है कि मैंने माइक नहीं लगा, और बच्चे बोल भी नहीं रहे गलत बात है। अब आ गई, आ गई, चल हाँ जी। अब सोचेंगे सर ये तो क्या नाटक है, डायपोल में तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होने चाहिए, डायपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होने चाहिए है ना, फिर उनके बीच की लेंथ भी चाहिए, फिर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब जाकर के इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा, और यहां तो तीनों ही अलग अलग हैं, एक प्लस क्यू है, एक माइनस फोर क्यू है, एक प्लस थ्री क्यू है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, पहले डायपोल फॉर्म करने पड़ते हैं है ना। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि चार्ज इज डिस्क्रीट, चार्ज इज डिस्क्रीट, हम बोल सकते हैं भाई ये क्यू इधर, टू क्यू इधर, थ्री क्यू इधर, फोर क्यू, थ्री क्यू चार्ज है तो तीन क्यू 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 हो सकते हैं, डिस्क्रीट है, काउंटिंग में है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है। देख अगर हम थोड़ी सी बुद्धि लगाए इसमें, इस माइनस फोर क्यू चार्ज में से, माइनस फोर क्यू चार्ज में से यहां पर रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं माइनस क्यू चार्ज, कितना बचा माइनस थ्री क्यू, एक तो माइनस क्यू और माइनस थ्री क्यू, माइनस क्यू और माइनस थ्री क्यू कितना हो गया माइनस फोर क्यू, नहीं आया वाग्निवा। तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू ये दोनों मिला करके एक डायपोल बने, बन गया ना। दूसरा डायपोल देख माइनस थ्री क्यू प्लस थ्री क्यू, क्या ये एक डायपोल बनाएंगे, कितने डायपोल हो गए टू, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता, माइनस से प्लस की तरफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज व्हाट, माइनस से प्लस, इसका मतलब ये जो डायपोल है क्या इसका डायरेक्शन किधर आएगा, आएगा ना, क्या इसका डायरेक्शन इधर आएगा, बच्चों दिख रहा है हाँ, तो इधर आएगा, तो क्या इस डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, P1 बोल देते हैं इसको, P1 इज इक्वल टू Q, चार्ज कितना है इसका Q, लेंथ कितनी इसकी यहां से यहां तक की लेंथ बताओ 2A, यहां से यहां तक A, यहां से यहां तक A 2A, तो क्या लिखो Q इंटू 2A है ना। इसी तरह से मान लो नीचे वाला जो है ये P2 है ना, P2 है, और इस P2 P2 की वैल्यू क्या होगी बोलो, चार्ज कितना 3Q, डिस्टेंस कितनी 2A, तो कितना हो गया 3 2 जा 6QA, इधर कितना हो गया 2QA, टू वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, टू वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कोस थीटा लग जाएगा, नहीं आया समझ आए ना बात। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आ गया भाई हमारे पास, नेट डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू अंडर रूट बोलो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर टू P1 P2 कोस थीटा, तो रूट ऑफ P1 व्हाट इज P1, 2 क्यू ए का स्क्वायर 6 क्यू ए का स्क्वायर प्लस 0 cos 90, cos 90 है 0, तो क्या बन गया ये बोल, 2 2 जा 4 6 6 जा 36 4 और 36 40, तो 40 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर है ना भाई, तो 40 का क्या हो गया बोलो 40 40 40 4 2 40 और तो कुछ नहीं हो सकता ना, बोल नहीं सकता, बोल क्या लिखूं, 4 रूट 10 क्यू ए इज द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, नहीं आया, सिंपल कहानी है, डायपोल बनाना पड़ेगा पहले, और सर 4 नहीं आएगा 2 आएगा, उनका नेट डायपोल मोमेंट निकाल दो वेक्टोरियली ऐड कर दो उसको सर, फटाफट नोट किया जाए सर,
टू रूट टेन आएगा। हाँ टू रूट टेन है भाई। साक्षी ने बोला बजा फरमाया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दो और ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों को थोड़ा फील आएगा। एक सिस्टम बनाया अपन ने देखे ऐसे, देखो बच्चों योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो, इसको हड्डियां तोड़ने में अबे आ गया। चल देखो एक सिस्टम बना रहा हूं मैं, एक सिस्टम ऐसा मैंने कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं इन पर मैंने थ्री करेक्ट कितने रखे देख, यहां पर रख दिया मैंने माइनस एट कूलम करेक्ट, यहां पर रख दिया मैंने प्लस टू माइक्रो कूलम और यहां पर रख दिया मैंने सिक्स माइक्रोकुलम प्लस सिक्स माइक्रोकुलम ठीक है। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर और मैंने आपसे पूछा कि एक सिस्टम है इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ओए जाना मत तेने हड्डियां तो टुका और टुकाड़ा उसको बताना है मुझे ना, वो बोलता है सर मेरा इंटरनेट कभी कम हो ही नहीं सकता, आपके आते फोटो खींचूंगा। चल अब इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालना है, थ्री चार्जेज है हमें क्या दिक्कत है, एक मिनट में निकालते हैं। इधर देख ये सिक्स ये टू इस माइनस एट को तोड़ दें, चल गया ना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अब भेजता हूं देख इस सिस्टम को डायपोल बनाए पहले तो ये प्लस सिक्स है तो माइनस सिक्स चाहिए, ये प्लस टू है तो ये माइनस टू होना चाहिए। तो इस एट को एक तो यहां तो रख कर दें अपन माइनस टू माइक्रोकुलम और इधर कर दें प्लस सिक्स माइक्रोकुलम है ना, क्या दो डायपोल बन जाएंगे देख ऐसे, एक डायपोल ये बन गया, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा P इज इक्वल टू क्या ले, क्या ले बोलो इसको बोलो इसको P1 ले लो इसको P2 ले लो, तो P1 इज इक्वल टू व्हाट Q इंटू 12 तो 2 माइक्रोकुलम इंटू 12 कितना 3 सेंटीमीटर ये होगा, तो ये कितना हो गया 2 3 जा 6 6 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 2 देखो सर ना, तो 6 एक तो माइनस 2 से प्लस 2 वाला बन गया, एक ये वाला एक ये बन गया, मान लो इसका नाम P2 है, इसका चार्ज बोल 6 माइक्रोकुलम 3 सेंटीमीटर तो 6 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 6 3 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 2 3 6 जा 18 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कुलम मीटर। एंगल बोलो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ईच एंगल इज 60 डिग्री, कैलकुलेट करो कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, सारे बच्चे कैलकुलेट करके आंसर दीजिए फटाफट मुझे।
दिख भी नहीं रहा बच्चों को तो कुछ भी उसमें। तुम लोगों को एक शीट मिली होगी इलेक्ट्रोस्टेट की, भेजा मैंने कल, भेजी ना नहीं भेजी, बड़ा आलसी हूं। पूजा क्या बोल रही, पूजा तो 2 3 6 कर देना, कूलम मीटर ही तो होगा, सेंटीमीटर थोड़ी हो, कूलम मीटर है। दिख रहा है? आंसर बोलो रे बच्चों। आंसर नहीं आया अभी तक, कोई नहीं बता रहा आंसर, नहीं करूंगा सर। चलो ये हो गया 18, तो p इज इक्वल टू रूट ऑफ, आवाज कहां से आ रही है? हाँ बंद कर। चलो जी p1 स्क्वायर 6 × 10⁻¹⁸ स्क्वायर प्लस 18 इंटू, अच्छा बड़ा हो गया होगा इसलिए नहीं कर पा रहे हो ना, होल स्क्वायर प्लस 2 × 6 ×
18 इंटू 10 पावर माइनस 16 माइनस 16 और कोस थीटा कोस 60 कोस 60 हो गया हाफ है ना, तूने टू को मार दिया। देखो 10 पावर माइनस 8 बार आ जाएगा एक तो सीधा थोरोली, तो अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 36 18 18 जा 324 और 18 6 जा 108 ये बचेगा अंदर, तो हो गया 8 12 18 1 3 3 6 1 3 4 468 ठीक है। 468 का मतलब हो गया लगभग हाँ जो भी आया मतलब 421 हो जाएगा 2.1 × 10⁻¹ कूलम मीटर। एक मिनट हो जा यार जनम ये 324 हो गया ना, ये 36 हो गया। हाँ तो 10 पावर ये 16 10 पावर 16 इधर भी 10 पावर 16 तो 10 पावर माइनस 8 थोरोली को हमने आ गया। ओके ओके ऐसे सवाल आएंगे इसके ऊपर ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे तो कहीं भी चार चार्ज रख देगा दो चार तीन चार चार चार्ज जरूर बोलेगा कि इसका सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकाला, तो अपन को अवेयर क्या रहना पड़ेगा, हमें पहले डायपोल फॉर्म करने पड़ेंगे, डायपोल फॉर्म करके अलग अलग मोमेंट निकालेंगे और फिर जिस एंगल पर उनको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। चलो और क्या हो सकता है, और अब देखो ये तो कॉमन संभावना ही होगी, अगर मान लो उन्होंने ज्यादा दिमाग लगाया और बच्चों को परेशान करने का सोचा तो क्या करेंगे समझो, अगर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो परेशान करेंगे बच्चों को तो क्या करेंगे, फालतू के कीड़े करेंगे ऐसे देख। देख हो गया ना केड़ा, परेशानी की कोई बात, परेशानी की कोई बात नहीं है। एक मोमेंट इधर आ गया, एक मोमेंट इधर आ गया, एक मोमेंट इधर आ गया ठीक है, और सारे सेम है, सारे सेम है। अब देख मतलब अब इसको मैं इसको क्या क्या मॉडिफाई करके डिफिकल्ट होना दे, मैंने कुछ भी नहीं हो, निश्चित रूप से -4q + 4q - 4q + 4q - 4q + 4q क्या ये दोनों सेम होंगे, ये p1 होगा तो ये भी p1 होगा, लेकिन ये सेम नहीं होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस अलग है, तो इसको बोलते हैं अपन ने p2। लेकिन इस p1 ये p1 तो इन दोनों का इधर क्या आएगा कोई बता सकता है मुझे, 2 = 2a cos θ/2 तो इस p1 का मान लो दोनों p1 का p डैश आया और उस पीडीएस को बोला मैंने 2p1 cos 90/2
और इसी डायरेक्शन में पी टू है, तो पहले पी वन कैलकुलेट कर देते हैं। बोल पी वन क्या हो गया, फोर क्यू इंटू ए, ए साइड है मान लो इसकी, फोर क्यू इंटू ए, ये भी फोर क्यू इंटू ए, इसका मतलब हो गया टू इंटू फोर क्यू इंटू ए और इंटू वन बाई रूट टू। और P2 क्या हो गया, चार्ज कितना हुई 4q, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर a रूट टू, a रूट टू, 2a स्क्वायर हुई ना, a रूट टू क्यों हुई, ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर a रूट टू करेक्ट है, तो 4q इंटू a रूट टू, नहीं कहां लिख दिया मैंने, यहाँ ये तो a था, हाँ इंटू ए रूट टू है ना बेटा। अब इनको इस हाँ तो प्लस कर देंगे इसको, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो ऐसे कुछ भी दे दे, वो ये परेशान करने वाली बात है, ऐसे और परेशान करेगा वो बोलेगा देखो इधर भाई देखो जी आइए चार्ज रख दिए, देखो माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज जीरो बी ग्राउंड, टू वेक्टर क्वांटिटीज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, नेट डायपोल मोमेंट इज, परेशान करे क्या जा रहा है हमारे, कर दे कर लोगे सिस्टम के डायपोल आ जाएंगे, चलो नोट कर लो सिंबॉलिक याद रहेगा तुम्हें। ओके बच्चों इतना ही बहुत है आज, चलो कुछ तो सक्सेसफुली रन हुआ ओके।